नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सैम स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, देखते हैं रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम्स और बाकी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस ब्लड रिलेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब दो व्यक्तियों के बीच में, दो जनरेशन के बीच में संबंध होता है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा और आपको ये चीज सीखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब किसी ब्रदर एंड सिस्टर या सिस्टर एंड सिस्टर है या ब्रदर ब्रदर का रिलेशन हो, भाई भाई का संबंध हो या बहन भाई का संबंध हो या बहन बहन का संबंध हो, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे। जैसे कोई भाई भाई है तो आप उसको इस तरीके से दिखाएंगे, एरो की तरफ से बराबर बना देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिस्टर, सिस्टर को आप माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर आ गया ब्रदर, ब्रदर को आप प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में आपने इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगा सकते तो आप इस तरीके से भी साइन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी साइन बना सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बराबर संबंध रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर रिलेशन है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में आपने एरो बनाना है, ध्यान रखना दोनों तरफ एरो बनाना है, और यहाँ पर आपने वाइफ बनाना है, ये माइनस हो गई और ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, सबको दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर है, छोटा तो नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, ओके। तो उसके बाद अगर कोई पेरेंट्स और उनके उनके बच्चों के बीच में संबंध है, तो पेरेंट्स को आप कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे, पेरेंट्स को आपने ऊपर रखना है और उनके बच्चों को आपने नीचे रखना है। ठीक है, एक जो जनरेशन होती है, जैसे उनके चाइल्ड हो गए, उनके चाइल्ड कहां पर आएंगे, नीचे आएंगे। पेरेंट्स में आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, पेरेंट्स में आपने जो प्लस है, अगर फादर है तो फादर का पॉजिटिव, मदर है तो नेगेटिव। बच्चा अगर कोई चाइल्ड है उनका, अगर लड़की है, फीमेल है तो आपने नेगेटिव करना है, मेल है तो आपने पॉजिटिव करना है। बस आपको इतना ही संबंध रखना है यार, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा निकालना, जनरेशन कैसे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरेशन मतलब ब्लड रिलेशन से, तो आपको करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस चीजों का कहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन है जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, ए की माँ, बी की बहन है और सी की बेटी है। ठीक है, फिर आगे करें, डी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है, इसका मतलब है सी का ई से क्या संबंध है, सी क्या लगेगी ई की। तो बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं ए की माँ की बात करता हूं तो ये ए है, ए की माँ बी की बहन है, इसका मतलब है ये आपकी क्या हो गई, ए की माँ हो गई। ठीक है, ए की माँ हो गई और ये किसकी बहन है, बी की बहन है, इसका मतलब है बी की बहन है, तो इसका मतलब ये फीमेल है। अभी हमें इन दोनों के बारे में नहीं पता कि ये कौन है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, आगे कह रहे कि और सी की बेटी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ए की माँ, ए की जो माँ है वो बी की बहन है और सी की बेटी है। ठीक है, बी की बहन है और सी की बेटी, इसका मतलब है सी कौन है, नानी है, सी कौन है, इसकी नानी है। तो आपसे आगे पूछ रहा है कि डी की बेटी, डी बेटी है बी की, डी जो है वो बी की कौन है, बेटी है, बेटी को मैंने नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की। ठीक है, इसका मतलब है ये किसकी बहन है, ठीक है, ई की बहन है, ई की बहन है, क्लियर है, बहन है। अब आपसे पूछा है तो ई का सी से क्या संबंध है। अब एक चीज देखो, ये दोनों, ये कौन है, हो सकता है कि ये भाई बहन हो जाए। ठीक है, अगर ये बहन, ये कौन हो गए, भाई हो गया, तो इसका मालूम नहीं है, लेकिन ये बी कौन है, बी को मैं मान लेता हूं कि ये कौन है, बहन ही है। ठीक है, उसकी बेटी और उसका ये हो सकता है कि भाई हो, तो ऑप्शन में आपके सामने दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है माँ, बहन, नाना, नानी।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन में नाना या नानी, तो इसका मतलब है सी जो है वो ई की कौन होगी, नाना या नानी। अगर मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब इसको भी फीमेल मान लेता हूँ और इसको भी फीमेल मान लेता हूँ, और ये दोनों कौन होगी, बहने हो गई, ये उनकी माँ हो गई, और उसके बाद ये उनके इनके बच्चे, इनके बच्चे। अगर ये इसकी नानी है, अगर ये इसकी नानी है तो इसकी भी नानी होगी, और इसकी नानी होगी तो इसकी भी नानी होगी, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, नानी। ठीक है, नानी या नानी। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मैं बात करता हूँ कि राधिका ने क्या कहा कि जो लड़का है, मान लेता हूँ कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, ये एक लड़का था, ये एक लड़का है, राधिका ने इसकी ओर इशारा करते हुए क्या बोला, इसकी ओर इशारा करते हुए बोला ये राधिका है, ठीक है, ये राधिका है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि ये मेरे दादाजी का, मेरे दादाजी का मतलब ये इसके फादर होंगे या इसके दादाजी होंगे, ठीक है, इसके दादाजी होंगे, ये जनरेशन है, ये जनरेशन नीचे चलती जा रही है, इसके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, इसके फादर का पुत्र है, इसका मतलब है ये कौन है, इसका ये इनका बेटा है, और ये राधिका का कौन लगेगा, भाई लगेगा, ये राधिका का ब्रदर है जी। ठीक है, बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपने जनरेशन का याद रखना है, तो क्वेश्चन बड़े चुटकियों में आप निकाल सकते हो, 2 सेकंड लगना है आपने क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए एक नए क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एम और एफ विवाहित दंपतियां हैं, मतलब दो जोड़े हैं, ऐसे कपल्स हैं, और आगे कह रहे हैं ए और बी बहने हैं, ए एफ की बहन है, आगे कह रहे हैं कि बी एम की क्या लगती है, आपको ये बताना है कि बी और एम के बीच में क्या संबंध है, इसका मतलब बी जो है वो एम की क्या लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये दोनों विवाहित दंपतियां हैं, तो मैंने आप लोगों को कैसे बताया था कि अगर मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ, यहाँ पर एफ लिख देता हूँ, तो इनके बीच में हम, मैंने आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया था कि ये लाइन हम दो अगर विवाहित जोड़े हैं तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि मेल को हम एम प्लस से लिखते हैं और फीमेल को हम नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन मुझे तो ये नहीं मालूम कि भैया मेल कौन है इसमें, फीमेल कौन है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं ए और बी बहने हैं, ठीक है, ए और बी बहने हैं, इस लाइन से हमें कोई पता नहीं चलता, लेकिन हम इसको साइड में लिख लेते हैं कि ए और बी आपस में दोनों एक दूसरे की बहने हैं, बहनों को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कह रहे हैं ए जो है वो एफ की बहन लगती है, ए जो है वो कौन है, एफ की बहन है, तो इसका मतलब है कि ए को मैं यहाँ लिख सकता हूँ और बी को भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये दोनों एक दूसरे की बहने हो गई। अब आपसे पूछा है कि भैया आप बताइए बी एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगती है, सारी समस्या आ रही है कि हमें इसके बारे में नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, हमें इसके बारे में नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो हम ऑप्शन से जाएंगे और ऑप्शन हमारे सामने क्या है, बहन है, साली है, भतीजी है, पुत्री है। आप एक बात बताएं, अगर मैं इसको मेल मान लेता हूं तो मेल की बहन हो गई, मतलब ये आदमी, इसको मैंने मान लिया कि ये जेंट्स है, पुरुष है, और ये पुरुष की बहन हो गई, अगर ये पुरुष है तो ये इसकी पत्नी हो गई, वाइफ हो गई, और वाइफ की ये कौन लगेगी, ननद लगेगी, जबकि ननद में कहीं ऑप्शन है आपके सामने, नहीं है, क्योंकि आपको रिलेशन क्या बताना है, इनके बीच में बताना है, इनके बीच में बताना है, तो अगर ये बहन है ये भी बहन होगी तो ये ननद होगी, ननद का ऑप्शन इसका मतलब नहीं है, तो आपको पता चल गया कि ये मेल है या फीमेल है, ये फीमेल है, बात पता चल गई। ठीक है, ये फीमेल है और ये कौन है, मेल है। ठीक है, अब आपको ये बात पता चल गई, तो इसका मतलब है कि ये कौन है, फीमेल है, फीमेल की ये दोनों कौन है, बहने हैं, मतलब ये दोनों भी बहने हैं। ठीक है, तो अगर ये इसका पति है तो ये इसकी कौन लगेगी, सालिया लगती है, मालूम है ना, रिश्ते तो बहुत अच्छे से जोड़ना आता है उसको। ठीक है, तो ये कौन हो गए जी, साली हो गई। ठीक है, चलिए शुरू करें अगले क्वेश्चन पे चलो। तो दोस्तों क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है और आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, और यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध, आपके सामने ये क्वेश्चन है, और निकालना कैसे, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी दो भाई बहन का रिलेशन होता है तो जो पी है वो क्यू का क्या है, भाई है। अगर मैं पी ले लेता हूँ, यहाँ पर क्यू रखता हूँ,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P कौन हो गया, वो Q का भाई है, तो इसका मतलब ये भाई का रिलेशन मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि R जो है वो Q की माँ है, R कौन है, Q की माँ है, तो R को मैं ऊपर रखूंगा, ठीक है, R को मैंने ऐसे रख दिया और इसको मैंने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ये फीमेल है, माँ है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि S जो है वो R का पिता है, S जो है वो R का पिता है, तो इसका मतलब इसके फादर कौन हो गए, S हो गए, इसको मैंने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आगे कह रहे हैं T S की मां है, T जो है वो S की मां है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ, तो ये कह रहे हैं कि टी जो है वो एस की माँ है, इसका मतलब टी इधर आ गया, वो भी कौन हो गई, एस की माँ हो गई। तो आपको रिलेशन बताना है कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। अगर आप एक चीज देख रहे हैं, ठीक है, ये कौन हो गए, दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, इसका मतलब है दोनों भाई बहन है, तो इसका मतलब जो भी होगा इनका संबंध, ये कौन है, माँ हो गई, तो ये इसका बच्चा हो गया, ठीक है, ये माँ के पिताजी हो गए, माँ के पिता हो गए, माँ के पिता कौन लगेंगे इसके भाई, नाना, नाना लगेंगे, नाना के, नाना की मदर कौन लगेंगी, पर नानी, कौन लगेंगी, पर नानी। लेकिन आपको बताना है पी का टी से क्या संबंध है, इसका मतलब है पी कौन लगेंगी, ये कौन लगेंगी, जिसको हम बोलते हैं नाती, नाती बोलते हैं ना, नाती बोलते हैं, तो ये कौन लगेंगी, पर नातिन, ठीक है, कौन लगेंगी, और टी कौन लगेंगे, पर नाना, तो सॉरी पर नानी, कौन लगेंगी, पर नानी लगेंगी, बात समझ में आ गई, ठीक है।